देखो ये पेड़ देख रहे हो, ये वाला जो पेड़ देख रहे हो, यहीं पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था और ये पेड़ है ना बिल्कुल सूख। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी मेहमान है जो हमारे साथ आ जाने वाली है हमारे चैनल में। हमने उनको स्पेशली इनवाइट किया है और ये एक सस्पेंस है जो वो कौन है, क्या है। और आज सवाल मैं उनसे नहीं, वो मुझसे पूछने वाली है। क्या सवाल होंगे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कौन है वो, क्या है वो। और मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊँगी, आपसे उनको जल्दी से रूबरू करवाती हूँ और बाकी की बातें मैं लास्ट में बताऊँगी। बहुत ज़रूरी बातें जो आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए मैं उनको इनवाइट करती हूँ अपने शो में, अपने इस चैनल में, और मैं बहुत खुश हूँ आज वो हमसे बात करने के लिए हमारे पास आ रही हैं। तो वेलकम करिए जोरदार तालियों के साथ हमारी छोटी सी नन्ही सी मेहमान को। ये हेलो मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मेहमान, वेलकम जी। हाँ ये मेरी डॉटर, मेरी बेटी, मेरी पीयू। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये नन्ही सी मेहमान, प्यारी सी इतनी स्पेशल सी मेहमान ये आज हमारे बीच में है और बड़े पेपर शेपर लेके ये साथ में आई है। ये बहुत सारे सवाल लेके आई है लगता है, बहुत सारी चीज़ें इनके मन में शायद चल रही है। ज़रा हम भी देख लें क्या है। ओ माई गॉड, सवालों की बहुत ज़्यादा लिस्ट है, मैं आप लोगों के सामने तो नहीं खोलने वाली। सो थैंक यू सो मच पीहू, आज आप हमारे शो में आई हो और आज हमसे बात करने आई। आओ ना पहले बैठते हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि 7 साल की पीहू और मैं ऐसा क्या लेके आए हैं अपने स्टॉक में। तो चलिए शुरुआत करते पीहू, आज आप मुझसे सवाल पूछने वाली हो, राइट? ओहो, तो आज हमारे शो की होस्ट है हमारी नन्ही सी परी। आप कितने साल की हैं? 7। ओ माय गॉड, 7 साल में कहाँ से इतना दिमाग आ गया? आ जाता है। तो ये प्यारी सी क्यूट सी मेरी डॉल, दिमाग कभी भागता कभी तो ये 7 साल की है और ये आज बहुत सारे सवाल लेके आई है और आज ये मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता भी चलेंगी। और कई बच्चों के मन में अपने ही पेरेंट्स के साथ बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना पीहू? और क्या होता है कि हम ना बात ही नहीं करते हैं अपने बच्चों से, हम ये सोचते हैं वो बहुत छोटे हैं और अभी वो वक्त नहीं आया है। लेकिन देखते हैं आज पहले हम ये जानते हैं कि पीहू के मन में ऐसा क्या सवाल है जो पीहू मुझसे पूछने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने शो। पीहू, आज आपका पहला सवाल क्या है? आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म कहाँ हुआ है? अच्छा, आप यहाँ पे सुनना चाहती हो या फिर आप मेरे साथ जाके वहाँ देखना चाहती हो जहाँ मेरा जन्म हुआ? जाके वहाँ देखना चाहती हूँ। तो चले चले। चलो, ये था मेरा घर, मैं यहाँ पे पैदा हुई थी। ये था आपका घर? हाँ। और आपको पता है ये है ना, यहाँ पे ये जो पेड़ देख रहे हो ये, हाँ, इसमें ना एक, हेलो अच्छी हूँ, इसमें ना फूल निकलते थे, इतने बड़े बड़े फूल निकलते थे। हाँ, और इसमें से ना रुई निकलती थी। देखो इसमें बेल पत्थर भी है यहाँ पे। कितना हरा भरा है आपका घर, है ना? कितना सुंदर है ना। हाँ। है नहीं था क्यों? और आओ एक चीज दिखाती हूँ, अभी तो मैं यहाँ नहीं रहती हूँ ना। देखो यहाँ पे आती थी मैं सब्जी लेने के लिए, यहाँ पे ना सफल है और यहाँ पे ये छोटी सी मार्केट है। हाँ। ये देखो ये छोटी सी मार्केट अंदर की साइड, और यहाँ पे पता है डॉग का भी वो था, पैट शॉप। अरे यहाँ पे अभी भी है शायद, पैट शॉप था। ये देखो यहाँ पे मैं सब्जी लेने आती थी, ये सफल है यहाँ पे, है ना?
मतलब कितना क्यूट डॉग है, कितना अच्छा लग रहा है। चले आपके घर के साइड बहुत ग्रीनरी थी, है ना? हाँ सब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे आए। हाँ मैं यहाँ पे पैदा हुई थी यहाँ पे पैदा हुई थी और एकदम अमेजिंग थी, पेड़ी पेड़ था जो अभी अच्छा बन गई है वो नहीं था। नहीं आओ मैं और चीज दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे ना पार्क भी है, आओ जल्दी आओ। मैं यहाँ पे ना दूध लेने भी जाती थी। ओ हाँ तो मजे करके भी आते होगे। हाँ देखो ना यहाँ पे दो दो पार्क है, एक बड़ा पार्क भी है। और राहुल मामा थे, राहुल मामा भी आपके साथ दूध लेने जाते थे। हाँ आपको एक चीज और बताती हूँ, मैं ना अपने इस वाले छत से ना, मेरा छत था हाँ। यहाँ पे ना डांस एकेडमी थी तो यहाँ पे भरतनाट्यम सिखाया जाता था। हाँ आओ दिखाती हूँ। तो मैं ना ऊपर से देख देख के ना यहाँ पे सीखती थी, ता ता धिन्ना धिन्ना ता करके दिखाना, ता ता धिन्ना ता। ये या यहाँ पे डांस सिखाते हैं, अब पता नहीं सिखाते हैं या नहीं सिखाते, डांस सिखाते थे। और मैं ऊपर से यहाँ से देखती थी, देखो ये छत से। अभी तो यहाँ पे पेड़ हो गया है ना, यहाँ पे ये वाला बेल है ना खाया जाता है, ये जो पेड़ है ना यहाँ पे हाँ? इसका बेल हम खाते थे, इतने बड़े बड़े होते थे। और जब खूब तूफान बारिश आती थी ना नीचे गिर जाया करते थे, तो हम लोग भाग के नीचे आते थे एकदम कि वही मिलेगा करके। देखो कितने आम के पेड़ है, ये नीम का पेड़ देखो हमारे छत पे ही जा रहा है। हाँ वो देखो, और वो बेल भी लगा हुआ है उसमें। हाँ मेरा दिल है ना ऐसे 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 हो रहा है। अगर आपका घर होता आज तो कितनी मस्ती करते बहुत। और पता है ये पूरा ओपन था ये, ये हाँ अभी तो चलो बन गया, ये वाला बन गया है। हाँ पूरा ओपन था ये, और यहाँ पे डांस सिखाते थे। और यहाँ पे पता है आगे हाँ। वो थी मदर डेरी, हम तो ये था पार्क। हाँ ये बहुत छोटा सा लग रहा है अब, बहुत ही छोटा हो रहा। यहाँ पे मैं दूध लेने जाती थी और जब मुझे ना बहुत ज्यादा ये बड़ा दिल लगता था, ऐसा लगता मैं वहां से आ रही हूँ वहां पे जा रही हूँ लेने के लिए, बहुत ही अजीब लगता था कि हाय इतने छोटे छोटे पैर से दूध लेने जा रही हूँ और अब ऐसा लग रहा है कितना पास है। हाँ है ना, कितना अच्छा लग रहा है। मैं इस पार्क में बहुत खेलती थी, बहुत ज्यादा। चले हाँ हाय वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं छोटी सी थी, अब यही खेलते थे। हाँ राहुल मामा, हाँ राहुल मामा और मैं, खूब मजे से, खूब अच्छा लगता था। और पता है एक चीज, आपके फ्रेंड्स भी होंगे। मेरी फ्रेंड इस वाले घर में रहती थी ऊपर। ओ हाँ तो आप लोग बहुत पास रहते थे, तो आज जाते होगे ना खेलने? हाँ खूब आओ एक बार देखते हैं, यहाँ पे खुला हुआ है ये। और पहले ना ये पूरी बाउंड्री ओपन थी, जब जा सकते थे। और देखो मेरे घर से कितना पास है ये। हाँ है ना, कितना अमेजिंग। मैं तुम्हारे जैसी छोटी सी थी यहाँ पे जब मैं 7 इयर्स की थी, मैं यहीं पे रहती थी। कितने साल से आप यहाँ रहते हो? रहती यहाँ पे मैं 12 साल तक थी। 12 साल मैं जब 12 साल की हो गई थी तो फिर मैं यहाँ से शिफ्ट कर गई थी। और यहाँ पे गोल गोल घूमते हैं मैं और मेरी फ्रेंड ना, वो उधर पार्क में ऐसे गोल गोल घूमते थे, गोल 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 हरदेश करो हरदेश करो हरदेश। मुझे शैतानी करने का बहुत मन कर रहा है, तो करो शैतानी। मैं भी जब यहाँ पे खेलती थी तो खूब यहाँ पे पता है एक वो हुआ करता था, अब नहीं है। क्या गोल चक्कर सा हुआ करता था यहाँ पे, पर अब है नहीं यहाँ पे। पहले आप गोल चक्कर में भी ये रहा ये रहा ये रहा पीहू। हाँ ये रहा। यहाँ पे ना हम सारे फ्रेंड्स ने ना ये गोल चक्कर में पता है क्या करते थे, रिंगा रिंगा रोजेस चूल्हा बना के डॉल लाके यहाँ पे हम लोग खाना बना के खेलते थे। ये वाले सर्कल में बहुत मजा आता था। मैं बड़ी क्यों हो गई यार
मुझे अभी फिर से पीयू जैसे छोटा होना है। हो जाऊं। तब आपकी फ्रेंड कितने साल की थी? हम सेम एज के थे। वो आपसे बड़ी होगी या फिर छोटी? सेम एज, मतलब बर्थडे भी? बर्थडे तो आगे पीछे आता है ना। एज पर सेम थी, मतलब अभी आप जैसे एज की हो वो भी अभी उसी एज की होगी। घूम के आई कि भाई जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ आपको वो जगह देखनी थी, तो कैसी लगी वो जगह? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे, जैसा आपने देखा ही, मैंने सारी बातें आपको वहाँ पे बताया। पर एनीवे, चलो अब आगे दूसरी सवाल की तरफ चलते हैं। चलो बताओ आपका पर। दूसरा सवाल है कि आप कितने तक पढ़ी और आपका स्कूल कहाँ है? अच्छा, अभी तो आप वो जगह देख के आई हो जहाँ मेरा जन्म हुआ है, अब आप मेरे स्कूल चलोगी साथ में? बिल्कुल। तो चले चलो। तो ये आपका स्कूल? हाँ, देखो मैं यहाँ पे पढ़ा करती थी। बताओ क्या लिखा हुआ है? सर्वोदय कन्या विद्यालय। हाँ, स्कूल। यस, दिस इज सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल। सो एक चीज दिखाती हूँ आपको, आओ। ये पेड़ से ना पूरा छुपा हुआ है। हाँ, तो जो मेरी क्लास थी ना, यहाँ पे बिल्कुल सामने ही थी क्लास। ये देखो, ये देख रहे हो, ये वाला जो साइड देख रहे हो, ये इधर, ये जो जाली लगी हुई है, ये हाँ। ये मेरी क्लास थी। और जो पेंट नहीं हुआ जहाँ पर, अभी पेंट हो गया, काफी चेंज हुआ है। और वो वाला जो साइड देख रहे हो, हाँ। वो बॉयज स्कूल था, उधर वाला। ओ। ये वाला गर्ल्स स्कूल था, वो वाला बॉयज स्कूल था। पर सेम ही तो लिखा है। हाँ? सेम लिखा नहीं है। उस साइड वाला, ये तो सर्वोदय कन्या, ये पूरा ये वाला स्कूल गर्ल्स का है, हाँ। और उधर का बॉयज का। तो कैसा लगा मेरा स्कूल? बहुत ही अच्छा। और एरिया बताओ? बहुत सुंदर। जब हमारे एग्जाम होते थे ना, तो हम यहाँ पे आके ना, एग्जाम होने के बाद, हाँ? हम यहाँ पे आके ना बहुत फुल ऑन मस्ती करते थे, खूब मस्ती करते थे यहाँ पे। देखो कितना खूबसूरत गार्डन है, हाँ। है ना? ये देखो झूला भी लगा हुआ है, हाँ। चले? हाँ, चल। मुझे तो बहुत ही मजा आता है झूला झूल के। हाँ आओ। पहले नहीं था यहाँ पे, पता है आपको? मुझे पता ही था कि पहले नहीं था, नहीं अब है। हाँ। हमारे स्कूल के अंदर भी नहीं है। अंदर? हमारे स्कूल के अंदर भी नहीं है। अंदर, साथ में, साथ में। 1 2 3 एंड गो। मुझे मजा आ रहा है कि तुम मेरे स्कूल के सामने आके यहाँ पे फुल ऑन मस्ती कर रही हो। ये ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। मेरे पैर ना लंबे हैं, मेरे पैर ना लंबे हैं। मेरे भी। ये देखो आपके भी पैर लंबे। ये देखो ऐसे करो, ऐसे करो, तब स्पीड नहीं बढ़ती है। पता है आपको, जब मेरा छोटा स्कूल था ना, हाँ? फिफ्थ तक, वो दूसरी साइड है, ठीक है? तो वहाँ और पे टेंथ कहाँ तक पढ़े? मैंने यहाँ इस स्कूल में सेवेंथ किया है। और उसके आगे तक टेंथ? टेंथ तो मैंने ओपन से किया था, और फिर ना वही अटैक हो गया था, फिर बाद में मैंने टेंथ भी ओपन से किया। ये था मेरा स्कूल। कैसा है मेरा स्कूल? अगर ये अभी ओपन होता ना, तो मैं आपको अंदर से जाके दिखाती। नहीं तो नहीं। लेकिन आपको पता है, मैं स्कूल से जब चली गई थी ना, उसके हाँ। बाद मैं इस अभी तक अपने स्कूल के अंदर जाके मैंने देखा ही नहीं है। ओ, बदल गया होगा आपका स्कूल। हाँ देखो, बाहर से भी बदल गया ना। काफी बाहर से पेड़ लग गए इतने सारे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना। तो कैसा लगा मेरा स्कूल? बहुत ही अच्छा। आपने सोचा था कभी कि मम्मा के स्कूल कभी आप आओगे? मजा आया बहुत। आपके लिए अगला सवाल है, आपका अटैक कहाँ हुआ और आपकी उस टाइम पर
उम्र कितनी थी? इतनी छोटी सी है और कितने बड़े बड़े सवाल पूछती है। तो चलो मैं आज आपको उस जगह पे भी लेके चलती हूँ जहाँ पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था, और उस वक्त में मैं 15 साल की थी जिस वक्त भी मेरे ऊपर अटैक हुआ। तो चलते हैं वहाँ पे, मैं वो जगह आपको पहले दिखाती हूँ, फिर थोड़ी सी स्टोरी आपको बताऊँगी भी, क्योंकि आपको स्टोरी भी जाननी थी कि क्यों हुआ मुझ पे अटैक, क्या हुआ था उस टाइम पे, है ना। अटैक हुआ था ये वही जगह जहाँ पर आपका अटैक हुआ था। देखो ये पेड़ देख रहे हो, ये वाला जो पेड़ देख रहे हो, यहीं पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था। और ये पेड़ है ना बिल्कुल सूख गया था, पता है, बिल्कुल सूख गया था। और उसके बाद है ना, कुछ समय के बाद है ना, ये पेड़ अपने आप ही हरा हो गया। हाँ, अच्छा लग रहा है ना देख के। और यही वो जगह है जहाँ पे अटैक हुआ था। अब वो लोग ना यहाँ से आए थे, इस वाली साइड से आए थे, और मम्मा उस साइड से आ रही थी, ठीक है। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आ रही थी और सडन वहाँ से वो लोग आए यहाँ पे, और यहाँ पे आके उन्होंने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे जमीन पे धक्का मारा, और यहाँ पे मैं गिर गई थी, और यहीं पे अटैक हुआ था। और देखो पहले ना यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन नहीं था। हाँ, ये मेट्रो स्टेशन अभी बना है। सब क्या है? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल यहाँ पे एकदम प्लेन था, जैसे यहाँ पे ये पार्क जैसा है, ऐसे ही यहाँ पे पार्क जैसा था, बिल्कुल सिंपल सा था। मैं वहां से आ रही हूँ। गोलू मोलू सा हो गया है। मैं भी तो गोलू मोलू सी हो गई हूँ। पता है ये जल गया था पूरा, फिर वापस से हो गया, खिल खिल गया। क्या हुआ? कुछ क्या हुआ? आपको पता है जब मैं यहाँ से आ रही थी ना, यहीं पे मेरा, मैं यहाँ से ऐसे करके गिर गई थी, फिर अचानक से कार आई और कार ने मेरे ऊपर एकदम से एक्सीडेंट भी हो गया मेरा। क्या हुआ, ठीक हो? पता है कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे शूट पे आई थी, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, और आज आप मेरे साथ यहाँ पे आए हो ना, मुझे हिम्मत मिल रही है। अब्बू जी का जोश है। Love you. क्या हुआ? बस नहीं। ऐसे कैसे? क्या हुआ? ठीक हो? You? चलो, चले? हाँ। आगे चलते हैं। क्या हुआ? मतलब आप अभी वहां से होके आए? और एकदम से सडन क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे उस जगह पे, अचानक से क्या हुआ था आपके मन में, क्या आ रहे थे सवाल? बहुत अजीब अजीब से। जैसे कि क्या सवाल आ रहा था मन में? अपना एक्सीडेंट हो गया और ये सब मैं नहीं सोच सकती। आपने YouTube पे मेरी स्टोरीज भी देखी ना। सो गाइज, आपको पता है पीहू ने एक बार बहुत कम उम्र की थी, अभी पीहू 7 साल की है, पीहू करीबन 5 साल की थी, तो पीहू ने मुझसे सवाल पूछा था कि मम्मा आपके ऊपर अटैक क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था और किस लिए हुआ था, ये पीहू के सवाल थे। लेकिन उस वक्त मैंने पीहू को बोला था कि थोड़ा समय आने दो, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। शायद अब मुझे लगता है कि वो समय भी आ गया। दूसरी चीज़ ये कि YouTube आजकल तो बहुत कुछ दिखा देता है, तो मुझे पता नहीं चला एक बार पीहू ने कब कैसे YouTube पे सर्च करके मेरे बारे में मेरी स्टोरी जानी। और मैं जब उसने मुझे बताया, सडन बताया कि आपके ऊपर तो अटैक हुआ था ना, एसिड अटैक हुआ था, और उस पर्सन का नाम बता दिया था पीहू, है ना, आपने नाम बता दिया था, तो मैं मतलब उस चीज़ को लेके शॉक थी कि अच्छा पीहू मुझसे मतलब पीहू मेरी इतनी ज़्यादा तेज हो गई है कि पीहू ने खुद ही मेरे अटैक के बारे में जान लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपने मेरे अटैक के बारे में यूट्यूब के थ्रू ही जान लिया है ना। तो मैं जब उस टाइम पे 15 साल की थी ना, मतलब आज मैं आपको थोड़ा रूबरू, हम एक दूसरे के सामने हैं, तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि जब मैं 15 साल की थी तब एक 32 ईयर्स का लड़का था जिसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था,
और जब मैंने शादी के लिए मना किया तो उन्होंने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया, अभी जिस जगह से हम होके आए हैं उसी जगह पे अटैक किया था। तो मतलब वहाँ से, लेकिन फिर भी जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, तो आप अपनी मम्मा को आज किस नज़र से देखती हो? बहुत ही खूबसूरत हो। बहुत खूबसूरत हूँ मैं? ये तो मेरी गुड़िया शुरू से कहती है कि ओह सॉरी। मेरी गुड़िया बहुत शुरू से कहती है कि बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, हर बच्चे के लिए अपनी माँ किसी भी रूप में हो वो बहुत खूबसूरत होती है ना बेबी? तो पीहू का ये सवाल था, तो आज मैंने पीहू को ये क्लियर कर दिया कि क्यों हुआ था मेरे ऊपर अटैक, किस रीज़न से, और उसके बाद क्या हुआ था मेरी लाइफ में। और पीहू ने तो काफ़ी चीज़ें, क्योंकि पीहू अब 7 साल की हैं, जब से पीहू समझदार हुई हैं तो पीहू ने बहुत सारी चीज़ें देखी। इवन पीहू बहुत सारी एसिड अटैक सर्वाइवर से भी मिलती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, है ना, सबसे मिलती है। तो पीहू बिल्कुल घबराती नहीं है। बहुत टाइम पहले जब पीहू छोटी थी, तब उस वक्त में मेरा एक सवाल था, वो ये कि जब पीहू बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, पीहू को मतलब अगर कोई दोस्त वगैरह उससे कुछ कहेंगे तो क्या पीहू उस टाइम पे कैसा रिएक्ट करेगी। लेकिन पीहू ने मुझे कुछ कुछ अपने दोस्तों के बारे में ज़रूर बताया। पीहू ज़रा मुझे बताओ। मेरे तो सारे दोस्त बोलते हैं आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप बहुत सुंदर हो। अच्छा, बोलती है कि आप बहुत अच्छे हो। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैंने हमेशा, मैं बहुत स्ट्रांग रही हूँ, और जिससे कि आज इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज़ का। तो कभी भी आप लोग भी कभी इतना डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको देख के भी जीते हैं। तो देखिए, आज मेरी बेटी बहुत ही स्ट्रांग होके मुझे बहुत ही स्ट्रांगली बहुत सारी बातें बोलती है। सो थैंक यू सो मच कि तुम इतनी प्यारी हो और तुम्हारा नज़रिया इतना प्यारा है और इतने अच्छे से मम्मा को सपोर्ट करती हो, हमेशा आगे लेके जाती हो। जब मुझे स्टमक पेन होता है, मुझे कुछ भी दिक्कत होती है, तो पीहू हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, मेरी हेल्प करती है। मुझे बैक पेन होता है तो मुझे बेड से लेके जाती है वो मुझे वॉशरूम तक। तो थैंक यू पीहू, आप मुझे अभी से इतना सपोर्ट करती हो और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे इतनी प्यारी बेटी है। सो फाइनली पीहू के क्वेश्चंस खत्म हो चुके। अभी और भी क्वेश्चंस है आपके? नहीं है, डन। पीहू के क्वेश्चंस बहुत प्यारे और बहुत ही मासूमियत से पीहू ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। तो ऐसी ही मासूमियत से आपके बच्चे भी आपसे बहुत सारा सवाल पूछते हैं, और हम पेरेंट्स कई बार रिएक्ट कर देते हैं अपने बच्चों को और अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसे आज पीहू 7 ईयर्स की है और मैं 30 ईयर्स की हूँ, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि मेरा जो माइंडसेट होगा वो 30 के एज का होगा और पीहू का जो माइंडसेट है वो 7 की एज का है। कई बार पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे समझ नहीं सकते हैं, किसी भी बात को सोच नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे हमसे 100 टाइम्स ज़्यादा समझदार होते हैं। तो ये भूल जाइए कि हमारे बच्चे समझदार बिल्कुल नहीं है, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। जो भी होता है हमारे घर में वो हमसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आज अगर पीहू बहुत सारी चीज़ें सीख रही है, अच्छी बुरी कितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही है। तो अपने बच्चों को बैठ के कम्फर्टेबल जोन दीजिए, एक फ्रेंड जोन दीजिए, क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स के अलावा और कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा होता है, उस वक्त में पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा जूझते हैं। तो हमेशा अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए, जैसे पीहू भी समझती है। पीहू अपने दिल की हर एक बात बताती है मम्मा को, ऐसे ही पीहू से मैं हर एक बात शेयर करती हूँ। तो आप लोग ऐसे ही चैनल में बने रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेट टॉक लेके आते रहेंगे। और हमें बताइएगा कि पीहू के साथ ये टॉक आपको कैसा लगा, वो जर्नी जहाँ पे मेरे ऊपर अटैक हुई थी, पीहू वहाँ गई, वहाँ इमोशनल हुई काफ़ी पीहू को, लेकिन बहुत मज़ा आया जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ पे, और पीहू को मेरे स्कूल में भी बहुत मज़ा आया और इन्होंने इन्जॉय किया। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे मिलेंगे, और ऐसे ही अपना प्यार हम पे बनाए रखिए, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर
हाँ तो जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, बहुत जरूरी है और कमेंट आपका प्यार है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। तो आप अपनी मम्मा को आज किस नजर से देखती हो? बहुत ही खूबसूरत है।